We are going to start chapter number 5. Being polite and well behaved. Polite hona matlab vinamra hona and well behaved aur acha bartav karna. Okay? When you are in a company, जब आप एक कंपनी में होते हो विद पीपल एट अ सोशल गैदरिंग, मतलब जहाँ पर सोशल गैदरिंग हो रही हो, कोई शादी हो या कोई फंक्शन चल रहा हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, जहाँ पर लोग हों आपके आसपास, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है टू बिहेव वेल, अच्छे से बिहेव करना, व्यवहार करना. ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा अपने माइंड में रखो वेयर यू आर, कि आप कहाँ हो एंड होम यू आर विद, और आप किसके साथ हो. ओके, हमेशा आपको ये याद रखना है. बी अवेयर ऑफ द सोशल कस्टम्स, अपने सोशल कस्टम्स, रीति रिवाजों से अवेयर रहो, एटिकेट्स से अवेयर रहो, एंड द टाइप ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज प्रेजेंट एट द गैदरिंग. और गैदरिंग में जो लोग प्रेजेंट हैं उनसे जो आप बिहेव एक्सपेक्ट करते हो, सो इस चीज़, इन सारी चीज़ों से और जो बिहेवियर वो आपके साथ कर रहे हैं, इन सब से आप अवेयर रहो. राइट, GM नेक्स्ट टू व्हाट यू थिंक इज अ गुड मैनर. ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें अगर लगता है कि ये गुड मैनर में आती हैं तो हम लिखेंगे GM. एंड BM नेक्स्ट टू व्हाट यू थिंक इज बैड मैनर, और जो लगता है बैड मैनर के अंडर आती हैं वहाँ हम लिखेंगे BM. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. क्रिटिसाइजिंग द फूड, फूड को क्रिटिसाइज करना. ओके, उसे जज करना कि वो कैसा है, डेकोर को, वहाँ की सजावट को, एंड होस्ट को या उनके गेस्ट को क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना. आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ गुड हैबिट, सो बैड मैनर. स्पीकिंग और लाफिंग वेरी लाउडली, बहुत ज़ोर से हंसना या बोलना, अच्छे मैनर हैं या बुरे, आप बताएंगे. यस, बैड मैनर्स, राइट. ओके, स्टैंडिंग अप व्हेन पीपल ओल्डर देन यू एंटर द रूम, जब आपसे बड़े लोग रूम में एंटर करते हैं उस टाइम पर खड़े हो जाना. यस, ऑफ कोर्स इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ गुड मैनर्स, राइट. ओनली वांटिंग टू टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट्स और योर एंड योर फैमिली, सिर्फ अपने इंटरेस्ट और अपनी फैमिली के बारे में आप चाहते हो कि बात करते रहो, दूसरे की बात भी तो सुननी इम्पॉर्टेंट है ना. सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बैड मैनर्स. लुकिंग बोर्ड और डिसइंटरेस्टेड विथ व्हाइल समवन इज स्पीकिंग टू यू, कोई आपसे बात कर रहा है उस टाइम आप बोर हो रहे हो या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा शो करना. यस, दिस इज ऑल्सो बैड मैनर. शोइंग ऑफ करना, शो ऑफ करना, और बूस्टिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट, और अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही सिर्फ आप बात करते जाएंगे, सो ये होगा बैड मैनर. नेम ड्रॉपिंग, टेलिंग पीपल अबाउट ऑल द फेमस पीपल यू नो, लोगों को बताना उन सारे फेमस पीपल के बारे में जिन्हें आप जानते हो. यस, दिस इज ऑल्सो शो ऑफ, अ काइंड ऑफ शो ऑफ, तो दिस इज ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ बैड मैनर. कटिंग थ्रू और वॉकिंग बिटवीन टू पीपल वाइल दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो या तो उनकी बात को काट देना या फिर उनके बीच में से चले जाना, ये भी आता है बैड मैनर की कैटेगरी में. तो बच्चों, आपको लगता है ना कि ये जो चीज़ें हैं ये बैड मैनर की कैटेगरी में आ रही हैं, और गुड मैनर की कैटेगरी में क्या आया, कि जब हमारे बड़े हम रूम में आए तो हम उस टाइम पर खड़े हो जाएं, राइट. ऑफरिंग योर सीट टू एन एल्डरली पर्सन और अ लेडी, किसी लेडी को या किसी बड़े पर्सन को अपनी सीट ऑफर करना. यस, इट कम्स इन द गुड मैनर कैटेगरी. सेइंग आई बैग योर पार्डन
when you have not heard or understood when someone has said. जब कोई आपसे कोई बात कहे या कुछ कहे और आप उसे ना सुन पाओ या आपको समझ ना आए, उस टाइम कहना कि आई बैग योर पार्डन. सो दिस इज ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड मैनर. तो वो अपनी बात आपको दोबारा कह देंगे. ट्राइंग टू ईवड्रॉप मतलब लिसन टू वॉट अदर्स आर टॉकिंग अबाउट अमंग्स देमसेल्फ. सुनना कि दूसरे क्या कह रहे हैं अबाउट अमंग्स देमसेल्फ्स अपने बारे में. So this is also come in the good manner category. Stretching across the dining table to serve yourself without saying excuse me. Excuse me कहे बिना dining table से चीज़ें खींचना. Stretching across the dining table to serve yourself मतलब बीच में से ऐसे जाके कोई चीज़ उठा के ले आना. So ये भी आता है bad manner की category में. Overeating and serving yourself too much at a time. एक ही टाइम पर बहुत सारा अपने आप को सर्व कर लेना या फिर ओवर ईट कर लेना, ये भी आता है बैड मैनर की कैटेगरी में. Being careless and sloppy while eating. Careless होके खाना, sloppy होके खाना, okay? या फिर आवाज़ कर कर के खाना, ये भी आता है बैड मैनर की कैटेगरी में. Sticking your tongue out while refusing something to eat or when you don't like the food. आपसे कोई पूछे कि आप ये लेंगे और आप ऐसे करें, नहीं मुझे नहीं लेना, नहीं. ये होता है sticking your tongue out. या आपको कोई चीज़ पसंद ना आए तो गैदरिंग में ये चीज़ें नहीं करनी होती, ये भी आता है बैड मैनर की कैटेगरी में. सो बच्चों, आपको पता चला क्या आता है गुड मैनर्स में और बैड मैनर्स की कैटेगरी में, राइट?